आराम से कर ले, मैंने कहा था व्यवस्थित हो जाएगी वहाँ होती। प्रिय मित्रों, खंडवा का देश में एक अलग स्थान है। ये ऋषियों और महर्षियों की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, कलाकारों की भूमि है। और यहाँ के किसान इतने परिश्रमी हैं और इतना नवाचार अलग अलग करते हैं, हार्टिकल्चर और अलग अलग फसलों से वो निमार नहीं, देश को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। आज बहुत दिनों बाद खंडवा आना हुआ, क्योंकि बीच में कोरोना की दो लहरों के कारण मैं आ नहीं सका था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब खंडवा के प्रवास में नंदू भैया साथ नहीं है। वो अत्यंत लोकप्रिय नेता थे और अपने परिश्रम, अपने प्यार और अपने विकास के कारण लोगों के दिलों में बसते थे। और इसलिए आज उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हम कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की जनता के साथ मिलकर, क्योंकि अपना जो प्रयोग है मध्य प्रदेश में, जिसमें मीडिया भी साथ है, कि सब मिल के मुकाबला करें। प्रयास ये है कि कोविड की तीसरी लहर आई ही ना। लेकिन इसके लिए एक तरफ सारी तैयारी, आज मैंने पीकू वार्ड का भी हम लोगों ने यहाँ लोकार्पण किया है। पीकू का मतलब जो बच्चे हैं हमारे, उसमें ऑक्सीजन बेड, छोटे छोटे वेंटिलेटर, भगवान करें इनकी ज़रूरत कभी ना पड़े, लेकिन उसकी आवश्यक व्यवस्थाएं की। अस्पताल में भी ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है। 3 ऑक्सीजन प्लांट अब यहीं लग रहे हैं, 1 चालू हो गया, 2 का भूमि पूजन हुआ है। अब विश्वास है कि सितंबर के अंत तक हो जाएंगे, ये चालू हो जाएंगे। तो तीसरी लहर की तैयारी के लिए पूरी तरह से हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। एक बड़ी तीसरी लहर रोकने के लिए एक बड़ी तैयारी है, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में लगातार अभी पिछले दिनों ही हमने वैक्सीनेशन महाअभियान 2 चलाया और अब हम लगभग 68-69% लोगों को पहला डोज लगा चुके हैं और लगभग 14% को दूसरा डोज लगा चुके हैं। तो हम जनता के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों डोज लग जाए, ताकि कोविड की तीसरी लहर रोक सकें। और संक्रमण अगर हो तो वो इतना भयानक नहीं होता कि जिसके कारण मृत्यु हो या गंभीर दुष्परिणाम हो, तो वो प्रयास भी लगातार जारी है। भगवान करे ना आए, दादा धूनी वाली यही करें कि ना आए तीसरी लहर। मध्य प्रदेश में भी नियंत्रित है, लेकिन प्रयास एक मिनट और सारे जारी है। आज खंडवा जब मैं आया तो यहाँ पहले से ही हम लोगों ने रिंग रोड बनाने का फैसला किया था, बजट में उसका इंतजाम हो गया है। जल्दी सारी व्यवस्थाएं करके हम उसको भी करेंगे। और झिरन्या उद्वहन सिंचाई योजना, खंडवा उद्वहन सिंचाई योजना, 6 गांव माखन, उनमें भी कुछ गांव छूटे थे, उनको भी मैंने फिर से DPR बनाने के निर्देश देकर हम लोग जोड़ने का कवायद उसमें कर रहे हैं। तो विकास का काम भी चूंकि अभी सेकंड वेव के कारण बंद ही था, अब फिर से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और गरीब हो किसान हो, आज यहाँ से हमने किसानों के, गरीबों के खाते में मकान के, आप जानते हैं 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा डाले, सारे काम जारी है। किशोर कुमार जी का तो मैंने बताई कि गाना भी गुनगुनाता हूँ मैं। आज हम लोगों ने फैसला किया, विजय जी हमारे साथ खड़े, कि जो ऑडिटोरियम नवीनतम बना है वो किशोर कुमार जी के नाम पर होना चाहिए। किशोर कुमार जी के नाम पे हम कर रहे हैं। टंट्या मामा की भी ये जन्मस्थली है, स्मारक हमने पहले भी बनाया, लेकिन आज़ादी 75 के अवसर पर उस स्मारक को और भव्य बनाया जाएगा और उनकी स्मृति में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। मैं तो विकास के लिए आया था।